हमें क्या फायदा है ऐसी सरकार से? सरकार वो है कि गरीबों की भी सुने, गरीबों की सुनती है, गरीब रह जाते हैं, अमीर अमीर जो जो फायदा ले जाते हैं। हम तो ये सोचे पे हाड़ा सिलेंडर भी कम हो गया, गैस कम हो गया, जो बच्चे ने दिहाड़ी नहीं मिला दी फिर बोलो ओवरएज हो तो नौकरियां नहीं हमें नहीं अच्छा लगा ये भाषण। जो महंगाई इसको तो घटाना चाहिए, तेल इतना महंगा करे जो दिहाड़ी लाने वाला बंदा वो क्या करेगी, गैस इतनी महंगी। किसने ये भाषण सुना कि क्या बोलते हैं मोदी जयराम ठाकुर, तो बोलते कि पानी फ्री है, पानी फ्री है तो हमें तो आज तक नलके नहीं लगे, तो पानी फ्री कहाँ से मिलेगा हमको? नलके लगेगा तो ही पानी फ्री मिलेगा ना, हमें पाइप डाल दी है, आज तक पानी नहीं दिया हमें फ्री, तो हमें क्या फायदा है ऐसी सरकार से? सरकार वो है कि गरीबों की भी सुने, गरीबों की सुनती है, गरीब रह जाते हैं, अमीर अमीर जो जो फायदा ले जाते हैं, तो हमें भी उस गरीब को भी फायदा मिलना चाहिए ना। हमने बोला, हमने 111 पे फोन भी किया था, बोले आपको जीआर कटा दी है और हमें पैसे ले गए हमारे प्रधान, और हमें आज तक कोई ना नलका लगा ना कुछ, प्राइवेट नलका लगा है, अभी मोटर कभी खराब हो जाती है, कभी दो 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 तरह दिन पानी नहीं आता है, तो फिर हमें कुओं में दूर से लाना पड़ता है। बात सुनने आए इनकी, हाँ तो ये सोचे पे हाड़ा सिलेंडर भी कम हो गया, गैस कम हो गया, तो गैस भी महंगी है साड़ी, तो महंगाई भी नहीं कुछ भी ये हुई। हाँ जी, तो फिर सन जो बच्चे ने दिहाड़ी नहीं मिला दी, एक गल है ना, बिना ही तो घर बैठे क्या करना, किन्या खर्च करने पूरे। पेंशन की बच्चे नौकरियां भी तो होना चाहिए, पढ़े लिखे बच्चे ना, तो इन्हें नौकरियां भी तो होना चाहिए न, क्या बोलना तो होना है, इतनी सिरा पीड़ लानी है बोली बोली कर, हाँ बोला दे पे जेडे हाड़े बच्चे ना तेने नौकरियां मिलना चाहिए, उन्हें बुढ़े पेंशन इतनिया बधाई थी इस महीने, इतनिया बधाई थी तीस तिकर नहीं, बुढ़िया तो मरी आना दो चो साल आयो, अब बच्चे बेरोजगार फिरा दे तेने क्या करना, तेने उम्रा भी बढ़ाइया फिर बोलो ओवरएज हो तो नौकरियां नहीं, क्या करना, भाषण सुनना है यहाँ हमने, चल कुछ ना कुछ कर गए बच्चे वास्ते, नहीं था भाषण बहुत अच्छा दिया हमारे बच्चों के लिए, नौकरी का कोई भाषण नहीं दिया, तो हमें मतलब अच्छा भी लगा सुन के भाषण, और हमें एक बात बुरी लगी कि बुजुर्गों को नौकरी, हम बुजुर्ग हैं, हम कल भी मर सकते हैं, पर हमारे बच्चों को नौकरी होनी चाहिए, ये हमारी बात है। देखो पेट्रोल कहाँ पर पहुँच गया है, कम से कम गंभीरता से सोच रहे कि हो क्या रहा है देश में, चलो अच्छी बात है भाषण दे रहे हैं, पेंशन लग रही है अच्छी बात है, पर बच्चों को नौकरी हमारी को होनी चाहिए, बच्चों की नौकरी सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें नहीं अच्छा लगा ये भाषण, नहीं हम मेहनत मजदूरी करके मेरे बच्चों को पाल रहे हैं, उनको नौकरियां दो ना, पढ़ा रहे नौकरियां दो, आपको लेकर कौन आए थे यहां पे, जब अच्छा नहीं लगा तो आप खुद आए थे क्या करने? हम खुद ही आए, हमने सोचा जरा कुछ होगा हमारे लिए, सुनने के लिए आए। चल अब घर चलते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, बस थोड़ी देर के लिए, बस ये है, हम सोच रहे थे कि हमारे बच्चों को नौकरी का भाषण होना चाहिए था। हम यहाँ पर यहाँ से आए मुख्यमंत्री, उनकी बात सुनने आए थे, पर इन्होंने तो पेंशन ठीक है बढ़ा दी है, पर कम से कम ये जो महंगाई इसको तो घटाना चाहिए, तेल इतना महंगा कर जो दिहाड़ी लाने वाला बंदा वो क्या करेगी, गैस इतनी महंगी, हाँ जी गैस इतनी महंगी की है, तो इसको भी तो कम करना चाहिए ना।